यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताते, वो आपको एंटीसीडेंट को रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं, यानी कि उसके बारे में कुछ बता ऐसे तरीके से रहे हैं कि वो एंटीसीडेंट के बारे में भी बता रहे हैं और वर्ब के बारे में भी बता रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट इज देर आर टू वर्ब इन दिस सेंटेंस. जो भी सेंटेंस हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब्स में यूज होंगे, उन सारे सेंटेंसेस में दो वर्ब प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है. दूसरी चीज क्या नोट करनी है कि जो भी वर्ड यूज होते हैं एडवर्ब के लिए, जो भी वर्ड यूज होते हैं वो ये सारे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये बेसिकली क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होते हैं. बट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है, ठीक है. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अगर किसी स्टूडेंट की बात कर रही हूँ तो कौन सा स्टूडेंट, वहां पर व्हाट आया. बट अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस में लगा के बोलूँ उसको इस तरीके से कि वो क्वेश्चन ना बने, जैसे कि अ स्टूडेंट दैट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, और अ स्टूडेंट हु वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो वो हु जो है वो क्वेश्चन नहीं हुआ, इट इज समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक टू दैट स्टूडेंट. उस स्टूडेंट के बारे में वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. एक स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं रिफ्लेक्ट बैक करूँ, अ स्टूडेंट हु वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि जो प्रेजेंट था उस स्टूडेंट के बारे में मैं कुछ बता रही हूँ. सो दीज क्वेश्चन, दीज वर्ड्स दैट आर यूज टू नॉर्मली आस्क क्वेश्चन, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक यानी कि किसी चीज के बारे में बताए जाने के लिए यूज होते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं यूज होते हैं. और एंटीसीडेंट जो होगा, एंटीसीडेंट का मैंने मीनिंग बताया. एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या था कि विच कम्स बिफोर, दैट मीन्स समथिंग इज देयर और उससे पहले आएगा एंटीसीडेंट. वो जो समथिंग है जिसके पहले आपका एंटीसीडेंट आएगा वो आपका रिलेटिव एडवर्ब है, यानी कि आपका जो रिलेटिव एडवर्ब है उससे पहले आपका एंटीसीडेंट आएगा. तो सेंटेंस में आपको एंटीसीडेंट खोजने की जरूरत नहीं है, आपको अगर रिलेटिव एडवर्ब पता है तो उससे पहले आना वाला वर्ड हमेशा एंटीसीडेंट ही रहेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड. अब यहाँ पर दो वर्ब आपको दिख रहे हैं, एक तो रिमेम्बर हो गया, एक लिव्ड हो गया, दो वर्ब दिख रहा है आपको सेंटेंस में. दूसरी बात, आपका वेयर है, ये सेंटेंसेस जो है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, यही आपके रिलेटिव एडवर्ब के लिए यूज होते हैं. तो वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया. नाउ बाय डेफिनेशन एंटीसीडेंट इज समथिंग दैट कम्स बिफोर समथिंग, किसी चीज के पहले आना एंटीसीडेंट हो गया. तो यहाँ किसके पहले आ रहा है, रिलेटिव एडवर्ब के पहले आ रहा है. रिलेटिव एडवर्ब है वेयर, उससे पहले क्या आ रहा है सेंटेंस में, वेयर से पहले क्या आ रहा है सेंटेंस में, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव, वेयर इज योर रिलेटिव एडवर्ब, सिंस यही सारे वर्ड यूज होते हैं रिलेटिव एडवर्ब के लिए. तो वेयर से पहले आपका कौन सा वर्ड आ रहा है इस सेंटेंस में, आपका वेयर से पहले क्या आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हाउस आ रहा है, ठीक है. तो हाउस इज योर एंटीसीडेंट, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब से आने वाला कोई भी पहले वर्ड रहेगा, वो कोई भी वर्ड रहे वो आपका एंटीसीडेंट ही होगा. ओके, सो यहाँ पर कैसे वर्क करता है रिलेटिव एडवर्ब, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्ड, नाउ वेयर ही लिव्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता था. अगर इसके आगे कुछ लगा नहीं होता तो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, दैट मीन्स वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था, ठीक है. तो जहाँ वो रहता था जो आपका वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है वेयर, क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है. तो ये पूरा जो फ्रेज है आई रिमेम्बर द हाउस, ठीक है, ये आपका क्या है, या तो आप कह सकते हैं कि ये आपका वेयर ही लिव्ड के बारे में बता रहा है, या फिर आई रिमेम्बर द हाउस जो है उसके बारे में वेयर ही लिव्ड बता रहा है. तो एट अ टाइम दोनों फ्रेज जो है, आपके कॉमा के पीछे जो लगा है, कॉमा के आगे जो लगा है, दोनों ही सेंटेंसेस इंटर रिलेटेड है, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है. तो वेयर पहली बात, तो यहाँ जो सेकेंड एडवर्ब है, जो भी रिलेटिव एडवर्ब आ रहेगा आपके सेंटेंस में, वो हमेशा आपके सेकेंड वर्ब को, जो सेकेंड वर्ब है सेंटेंस में, उसको मॉडिफाई करेगा. तो यहाँ पर सेकेंड वर्ब है लिव्ड, तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है. दूसरी बात,
किसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है? हाउस को, ठीक है. वेयर ही लिव, वो जो हाउस था उसी के बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पर दी हाउस को वेयर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, यानी कि उसके बारे में, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कुछ. तो वेयर ही लिव, दी हाउस दैट आई रिमेम्बर, दी हाउस दैट आई रिमेम्बर, वेयर ही लिव, दी हाउस दैट आई रिमेम्बर. तो आई रिमेम्बर दी हाउस वेयर ही लिव. तो वेयर जो है वो हाउस को रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है, और ही लिव्ड का जो लिव्ड है उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ही लिव्ड वो रहता था, कहाँ रहता था? उस घर में जो मुझे याद है. ओके, सो एनी डाउट इन दिस? यू कैन टेक अ लुक ऑफ द एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं. आई नो दी होटल वेयर शी लिव्ड. अगेन यहाँ पर वेयर जो है आपका रिलेटिव एडवर्ब है, लिव्ड बिकॉज इट कम्स आफ्टर द सेंटेंस, यानी कि सेकेंड वर्ब है. That is why it is the verb that is being modified. यही verb modify हो रहा है. Relative adverb से पहले क्या आ रहा है? Hotel. So this is the antecedent in your sentence. This is the reason why she left. This is the reason. This is reason why she left. Left is your second verb. So why modify left को कर रहा है? Why is your relative adverb? Now relative adverb से पहले क्या आ रहा है? Reason. So reason is your antecedent. Any doubt in this? Relative adverb में कोई doubt है? No ma'am. Okay, then next चलते हैं interrogative adverb पे. Interrogative adverb में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे जो word हैं, what, when, where, how, why, ये सारे question बनाने के लिए use होते हैं. ठीक है, यहाँ पर question नहीं बन रहा है. That is why they are called relative adverb. अब क्वेश्चन बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर इन सब से मैं क्वेश्चन बना दूं तो ये वर्ड क्या हो जाएंगे? रिलेटिव वर्ड हो जाएंगे क्या? नो मैम, इंटरोगेटिव ना हो. हाँ बिल्कुल, इंटरोगेटिव हो जाएगा बिकॉज दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन. ये आप देख लीजिए एग्जांपल में, व्हेन डिड ही कम. ठीक है, नाउ सी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपल एडवर्ब के टाइप भी मिलेंगे. ठीक है, व्हेन डिड ही कम, यानी कि टाइमिंग की बात हो रही है. यस निधि, ओके. सो व्हेन डिड ही कम, यानी कि टाइम की बात हो रही है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो सकता है ये. इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, व्हेन डिड ही कम जो है, इसका जो आंसर रहेगा उसमें जो एडवर्ब आएगा, दैट विल बी योर एडवर्ब ऑफ टाइम. वो टाइम के बारे में बताएगा, कब आया, ही केम एट नून, ठीक है, या ही केम लेट, ही केम देयर एवरी डे. ठीक है, व्हेन डिड ही केम का आंसर जो रहेगा उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा. व्हाई आर यू लेट, व्हाई का यानी कि रीजन बताएगा, वो रीजन बताएगा. तो कौन सा एडवर्ब, कौन सा सिंपल एडवर्ब लगेगा आपका? Why are you late? यानी कि वो रीजन पूछता है कि क्यों लेट हुआ, तो रीजन ऑफ एडवर्ब लगेगा आपके आंसर में. इसका जो आंसर रहेगा उसमें आपका रीजन ऑफ एडवर्ब आएगा. हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, नंबर बताया जा रहा है, दैट मीन्स इसके आंसर में एडवर्ब ऑफ नंबर्स रहेगा. हाउ हाई इज बाखरा नांगल डैम, तो वो कितना लंबा है, यानी कि उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, उसका डिग्री बताया जा रहा है, कितना लंबा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा आपका. तो ये सारे जो हैं, इनके आंसर्स जो है रहेंगे वो हमेशा सिंपल ऑफ एडवर्ब में आएगा. उसका आंसर जो भी रहेगा उसमें जो एडवर्ब आएगा वो सिंपल एडवर्ब के टाइप में रहेंगे. और ये सारे जो क्वेश्चन हैं, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चन, तो इसीलिए इंटरोगेटिव एडवर्ब रहेंगे. यहाँ पर एक नोट लिखा है, इस नोट में ये लिखा है कि अगर आपको पहचानना हो कि ये जो वर्ड्स हैं, सिंस दोनों ही दोनों ही एडवर्ब में क्वेश्चन वाले ही वर्ड यूज हो रहे हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सारे वर्ड ही यूज हो रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है या रिलेटिव एडवर्ब? जिस सेंटेंस में आपका एंटीसिडेंट टेंस प्रेजेंट रहे, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब या जो एडवर्ब है उससे पहले कुछ लगा है, उससे पहले लगा है तो एंटीसिडेंट है, एंटीसिडेंट है तो वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा. अगर एंटीसिडेंट नहीं लगा है, यानी कि उस वर्ड के पहले कुछ नहीं आ रहा है, द वर्ड इज स्टार्टिंग योर सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब. ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? इससे
पहले कोई यहाँ तक कोई डाउट है? इंटरोगेटिव एडवर्ब तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज योर कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्शन क्या होते हैं? व्हाट आर कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था मैंने, कंजंक्शन क्या होते हैं? संयोजन, संयोजक, ऐसा ही कुछ। समथिंग दैट बाइंड्स योर सेंटेंसेस, एनीथिंग दैट बाइंड्स योर टू सेंटेंसेस, जैसे एंड हो गया, और हो गया, या फिर कॉमा हो गया, समथिंग दैट इज यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके, तो कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं? वो दो सेंटेंसेस को, यानी कि सेंटेंसेस एक्चुअली वो नहीं रहेंगे, दे वर बी क्लॉजेस। बिकॉज क्लॉजेस क्यों रहेंगे? क्योंकि वो पूरा मीनिंग नहीं बताएंगे आपको सेंटेंस में, वो अधूरा मीनिंग बताएंगे। नाउ सिंस दे आर नॉट टेलिंग यू अबाउट द मेन, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉज है तो क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस क्या बताया था मैंने? कि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब भी रहेगा, फ्रेज में आपका सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता है। दे कंटेन्स ओनली पार्शियल मीनिंग ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो दे कंटेन्स, द कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंसेस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनका सेम टॉपिक पे बात चल रहा है, यानी कि जो मेन मुद्दा रहेगा, जो आपको मैसेज भेजना है, वो मैसेज सेम रहेगा, बट दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि दो ऐसी बातें कही जा रही हैं जो सेम चीज के बारे में बोल रहा है, बट उन दोनों का आपस में कोई मेल होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जैसे ये सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पे दिखाए रिलेटिव एडवर्ब में, ठीक है, ये जो दो पार्ट है, आई रिमेम्बर द हाउस वेयर ही लिव्स, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि अगर मैं एक पार्ट हटा दूं तो दूसरे पार्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, और दूसरा पार्ट हटा दूं तो पहले पार्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स ये आपस में इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि मीनिंग कन्वे क्या करना है। बट कंजंक्टिव एडवर्ब्स में क्या होता है कि दो क्लॉजेस रहेंगे जो मीनिंग तो कन्वे कर रहे हैं, बट फुल मीनिंग नहीं, बट इतना भी आधा अधूरा मीनिंग नहीं रहेगा कि आपको पता ना चले कि वो मीनिंग क्या कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, मेन वर्ड क्या यूज होते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स में? देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर, नेवरदिलस, फर्दरमोर, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब इसीलिए, हाउएवर इसके अलावा, मोरओवर और भी है, नेवरदिलस की कोई बात नहीं इसके आगे, फर्दरमोर सिमिलर मीनिंग और भी है, कॉन्सिक्वेंटली यानी कि इसके साथ साथ ये भी है। ठीक है, सो दे आर, यू कैन से कन्वे समथिंग सिमिलर मीनिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें सिमिलर मीनिंग बता रहा है, एंड दे आर ओनली यूज टू लाइक यू कैन से फ्यूज टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस टुगेदर, दो क्लॉजेस को फ्यूज करने के लिए, एक साथ मर्ज करने के लिए यूज हो रहा है। नाउ वन थिंग दैट इज रिटन हियर इज दीज एडवर्ब्स serves as a transition between two independent clauses, यानी कि जो transition हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये कुछ और बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रहा है और आपने साथ में बस लगा दिया है conjunctive adverb, नहीं, same चीज के बारे में बात की जा रही है। ये जैसे मान लीजिए कि सीढ़ियों के बारे में बात, yes, आप अगर सीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, पहले के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के पास तीसरा आ रहा है, यही नंबरिंग होती है आपका स्टेप की। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहले, मतलब समटाइम्स यू माइट प्ले कि पहले के बाद दूसरा जंप कर जाते हो, तीसरे पे चल जाते हो, बट नॉर्मली आप कैसे स्टेप फॉलो करते हो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो वही ग्रेजुअल ट्रांजिशन जो होता है आपका, वो कंजंक्टिव एडवर्ब हेल्प करता है आपको क्लॉज में ट्रांजिशन करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। माय क्लासमेट यूजुअली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक, हाउएवर ही आल्सो लाइक्स जैज एंड रॉक म्यूजिक। नाउ देयर आर टू क्लॉजेस, दो क्लॉज हैं, ठीक है, माय क्लासमेट यूजुअली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक,
दिस इज योर फर्स्ट क्लॉ. सेकेंड इज ही ऑल्सो लाइक जैज एंड रॉक म्यूजिक, यानी कि उसको जैक और रॉक म्यूजिक पसंद है बट वो यूजुअली क्लासिकल म्यूजिक सुनता है. ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. अगर मैं कहूँ कि अगर आप आपको अगर बोला जाए कि पर डे ये सॉन्ग सुनना है तो आप कौन सा सॉन्ग चुनोगे, तो वो क्लासिकल म्यूजिक सुनेगा बिकॉज ही. अगर कि अभी के लिए जैसे उसका मन कर गया कुछ सुनने का, ठीक है, तो अगर मैं उसको दो ऑप्शंस दूं कि पॉप म्यूजिक है, जैज है, रॉक है, आपको तीनों में से कौन मचाना, तो वो जैज या रॉक में से चुन सकता है. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर उसको ऑप्शन दिया जाए तो वो जैज और रॉक सुनेगा. बट यूजुअली इफ यू लीव अपॉन हिम और हर, जो भी है, अगर आप उस पर छोड़ दे तो वो क्लासिकल म्यूजिक ही ज्यादातर चुनता है. So that means there is a gradual increase, you can say, or gradual change between two clauses of independent meaning. ठीक है, कोई doubt इसमें? Conjunctive adverb में कोई doubt किसी को? Conjunctive adverb में किसी को कोई doubt है? No, ma'am. चलिए ठीक है. Adverb and adjective. जहां पर क्या बता रहा है कि एडवर्ब, पहले तो मैंने ये पिछले क्लास में भी बताया था, एक नोट लिखा था पीछे में कि अगर आपको एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो आप एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको एक एडवर्ब को मॉडिफाई करना है तो आप एडवर्ब ही लगाएंगे, आप एडजेक्टिव यूज करके उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. तो सिमिलरली देयर आर सम वर्ड्स दैट कैन बी यूज as an adverb also and as an adjective also. मतलब वो words के placement पे depend करता है कि आप किस तरह वो sentence form कर रहे हैं और क्या meaning convey करना चाहते हैं. उससे क्या होता है, उससे part of speech जो वो represent कर रहा है, वो adverb represent कर रहा है या adjective represent कर रहा है, change हो सकता है. Okay. So adverbs are words that modify verbs, adjective, other adverb and sometimes clauses and the whole sentences. Adjectives are the word modifying noun and pronoun. ठीक है, दोनों में क्या difference है, दोनों modify जरूर कर रहा है, लेकिन adjective क्या करता है, और adjective सिर्फ noun या pronoun को ही modify करता है, उनके बारे में ही वो कुछ बताएगा. But adverb क्या होता है, adverb आपके sentence में subject को छोड़कर, यानी कि जो noun है और जो pronoun है उनको छोड़कर बाकी जितने भी part है आपके sentence में, वो सारे पार्ट को मॉडिफाई कर सकता है. वो वर्ड को मॉडिफाई कर सकता है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, वो क्लॉज को मॉडिफाई कर सकता है, किसी और एडवर्ब को जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको मॉडिफाई कर सकता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है. दैट मीन्स अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन वो बाकी सबको मॉडिफाई कर सकता है. और नाउन और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है. सो दैट इज द डिफरेंस. एंड सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर वर्ड दैट कैन मॉडिफाई समथिंग इन योर words, sentences. Okay. Now, यहाँ पर incorrect और correct क्यों लिखा है? Shalini walked slow out of the classroom. Shalini walked slowly out of the classroom. दोनों में क्या अंतर है? What is the difference between them? Why is slow incorrect and slowly correct to use in this sentence? अगर मैं slow use कर रही हूँ तो वहां से क्या गलती हो रही है कि वो sentence incorrect है, और अगर मैं slowly use कर रही हूँ तो क्यों वो सही है use करना? एक बार सोच के देखिए कि अगर ये सेंटेंस में मैं स्लो यूज कर रही हूँ तो वो क्यों गलत है, और अगर स्लोली यूज कर रही हूँ तो कैसे सही है. मैम ऊपर वाला में जो है धीमी गति से वो जो लड़के वो बाहर निकलते हैं. नहीं नहीं दोनों तो दोनों सेम है. स्लो और स्लोली में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में गलती किसकी है, गलती आपके सेंटेंस की या मीनिंग की नहीं, गलती है कि इन विच फॉर्म यू आर यूजिंग द वर्ड. ठीक है, आप किस चीज को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हो, यहाँ पर क्या मॉडिफाई हो रहा है,
वॉक मॉडिफाई हो रहा है, कैसे चल रही है वो मॉडिफाई हो रहा है, दैट मीन्स वर्ब मॉडिफाई हो रहा है आपका. तो जब वर्ब मॉडिफाई होगा तो जो स्लो है, स्लो आपका एडजेक्टिव है, स्लो आपका एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को. स्लोली आपका एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, अदर एडवर्ब को. तो इफ यू आर मॉडिफाइंग द वर्ब यू हैव टू राइट द वर्ड इन एडवर्ब फॉर्म, आपको एडवर्ब फॉर्म में लिखना होगा. अगर आप नाउन या प्रोनाउन को लिख रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं. अगेन, रियल इज योर एडजेक्टिव, रियली इज योर एडवर्ब. ओके, बिकॉज रियली इज योर मॉडिफाइंग द वर्ब इन द सेंटेंस. गाइड जो वर्ब है वो आपका मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है रियली से. ओके, नाउ सम वर्ड्स आर यूज्ड इन सेम फॉर्म, मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सेम फॉर्म पे यूज होते हैं एडवर्ब में भी और एडजेक्टिव में भी. ही रैन फास्ट, ही इज फास्ट रनर. ठीक है, दोनों में यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे हुआ, यहाँ पर एडवर्ब कैसे हुआ. ही रैन फास्ट एडवर्ब है, ही इज अ फास्ट रनर एडजेक्टिव कैसे हुआ. बोलिए क्या डिफरेंस हो रहा है. इफ आई एम यूजिंग ही रैन फास्ट, वो एडवर्ब हो गया. अगर मैं यूज कर रही हूँ कि ही इज अ फास्ट रनर, तो वो एडजेक्टिव हो गया. कैसे, दोनों में मतलब खोजिए, ट्रांसलेट इट, अंडरस्टैंड. इसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करिए जहां पर आप जिस लैंग्वेज में आप समझ पा रहे हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या अंतर है दोनों सेंटेंसेस में. मैम वास्तव जो है ना यही डिफरेंट है, नीचे वाला में वास्तव में कड़ी मेहनत. नहीं नहीं ये वाला ही रैन फास्ट, वो जो ए बी वाले सेंटेंसेस लिखे हैं ना, उसमें ए सेंटेंस में ही रैन फास्ट एडवर्ब है, ही इज अ फास्ट रनर वो एडजेक्टिव है. ऐसा क्यों डिफरेंस हुआ, फास्ट जो है वो वर्ड तो सेम ही है, बट उसको किस तरह से यूज किया गया और क्या डिफरेंस मीनिंग वो बता रहा है, क्या मतलब उसका अंतर हो जा रहा है दोनों सेंटेंसेस में. ही रैन फास्ट एंड ही इज अ फास्ट रनर. अच्छा, यहाँ जो पहला सेंटेंस है ही रैन फास्ट, तो फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है. ही रैन फास्ट जो सेंटेंस है उसमें फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है. He ran fast जो है उसमें fast किसको modify कर रहा है बच्चे. fast किसके बारे में बता रहा है यहाँ पर, क्या fast है. वह होगा मैम, वो run कर रहा है fast, running जो है वो उसकी fast है, वो बता रहा है ना. He ran fast मतलब वो भागा जोर से, ठीक है, वो तेज दौड़ा. ठीक है, तो दौड़ने का जो एबिलिटी है वो उसका फास्ट है. दैट मीन्स इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब इन द सेंटेंस. दौड़ना क्या है, आपका वर्ब है सेंटेंस में, वो उसको मॉडिफाई कर रहा है. सेकेंड सेंटेंस जो है ही इज अ फास्ट रनर, फास्ट जो है वो रनर को मॉडिफाई कर रहा है. तो रनर आपका क्या है, रनर आपका वर्ब है,
रनर किसको बोलते हैं? एथलीट का मतलब समझते हैं आप? एथलीट का मतलब क्या होता है? एथलीट का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ या ना बोल दो, देन आई विल एक्सप्लेन इट. नो मैम. सी, एथलीट का मतलब होता है जो रनिंग करता है या रेस दौड़ता है या फिर कोई और स्पोर्ट्स है जिसमें भागने भागने का काम होता है, उसको एथलीट बोलते हैं. ठीक है. एथलेटिक्स क्या होता है? वो स्पोर्ट्स जिसमें एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि इफ आई एम सेइंग कि ही रैन फास्ट, तो उसकी दौड़ने की कैपेसिटी भी वो मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वो कैसे दौड़ रहा है. ही इज अ फास्ट रनर. रनर किसको बोलते हैं? जो दौड़ता है. दैट मीन्स इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट. ठीक है. रनर आपका क्या है? कॉमन नाउन है. रनर आपका कॉमन नाउन है. एंड कॉमन नाउन है यानी कि नाउन का मॉडिफिकेशन कौन करता है? एडजेक्टिव करता है. That is why these two are different. यही अंतर है दोनों में. पहले सेंटेंस में he ran fast जो है वहां पर आपका verb का modification हो रहा है. दूसरे सेंटेंस में he is a fast runner में आपका noun का modification हो रहा है. Okay. Now second sentence भी आप देख लो. अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो second sentence देख लो. Second sentence is she has only two books and she is the only daughter of her parents. She has only two books and she is the only daughter of her parents. यहाँ पर only जो है पहले sentence में, she has only two books. ठीक है. यहाँ books के बारे में बताई जा रही है. दो किताबें हैं, यानी कि दो जो है वो number है, यानी कि यहाँ पर adverb of number लग रहा है. ओनली जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ नंबर है, बिकॉज इट इज टेलिंग यू अबाउट द नंबर ऑफ नाउन प्रेजेंट और नंबर ऑफ यू कैन से ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट. ठीक है. तो जैसे वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में था कि हाउ मेनी बॉयज वर प्रेजेंट इन योर क्लास, तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर में आपका एडवर्ब ऑफ नंबर आएगा. तो यहाँ हाउ मेनी बुक्स शी हैव, तो उसके आंसर में क्या आ रहा है? एडवर्ब ऑफ नंबर आ रहा है. यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस जो है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ अ स्टूडेंट सॉरी पेरेंट्स, तो वो पेरेंट्स की एक लौती बेटी है. अब वो ओनली जो है वो किस डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर ओनली क्या हो जाएगा अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो? अगर यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डॉटर ऑफ पेरेंट्स जो है वो नाउन है, नाउन का मॉडिफिकेशन कर रहा है ओनली, तो ओनली क्या हुआ यहाँ पर? एडजेक्टिव हुआ बच्चे. एडजेक्टिव आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं जो समझा रही हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये जो मैं समझा रही हूँ तब से आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बस इतना बता दो, नहीं समझ में आ रहा है देन आई विल यूज अदर फॉर्म टू एक्सप्लेन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये वाला चीज? अंकित समझ में आ रहा है तुमको? आ रहा है. राजू तुमको समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? पल्लवी तुमको समझ में आ रहा है? मैम वो सब कुछ बोल करती सब अनम्यूट करके बस ऐसे ही बैठे रहते हो तुम लोग क्लास में. एटलीस्ट हाँ ना कर दिया करो. नहीं समझ में आ रहा है, मैं चार बार समझाने के लिए तैयार हूँ फिर भी तुम लोग कुछ नहीं बोलते. अब नहीं कुछ बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर डिफरेंस इतना ही है. हम लोग बोलते हैं लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं. नहीं बोलती है तो उनको छोड़ दो. ठीक है आप पढ़ो अपना आराम से. आप लोग रिप्लाई कर दिया करो. कोई एक भी स्टूडेंट रिप्लाई करेगा तो एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कोई एक तो पढ़ रहा है. ठीक है.
तो दोनों के बीच देखो डिफरेंस यही है, वर्ड्स आप सेम हो सकते हैं, वर्ड्स का मॉडिफाई कर यानी कि वर्ड्स को कुछ लगाकर, जैसे यहाँ पर स्लो को एलवाई लगाकर स्लोली कर दिया गया है, रियल को एलवाई लगा के रियली कर दिया गया है, तो कुछ मॉडिफिकेशन करके या फिर कुछ वर्ड्स को जैसे फास्ट हो गया, ओनली हो गया, ये सिमिलर वे में यूज हो रहा है, एनी वर्ड कैन बी यूज एज इट इज और बी कन्वर्टेड इनटू अ डिफरेंट फॉर्म ओनली बाय, आपको कैसे पता चलेगा कि वो एडवर्ब कब है, एडजेक्टिव कब है, जब आप ये खोजोगे सेंटेंस में कि वो किसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, अगर वो जो काम हो रहा है उसका मॉडिफिकेशन कर रहा है तो वो एडवर्ब रहेगा, अगर वो किसी इंसान के बारे में या किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो वो एडजेक्टिव रहेगा, जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ही इज अ फास्ट रनर, रनर आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है तो एडजेक्टिव, ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, डॉटर क्या हुआ, लड़की बच्ची, तो वो पर्सन हुआ, नाउन हुआ, तो वो एडजेक्टिव, ही एंटर फ्रॉम द बैक डोर, बैक डोर कौन सा डोर, बैक डोर, तो डोर जो है आपका नाउन है तो उसका मॉडिफिकेशन कर रहा है तो एडजेक्टिव, ही इज अ हार्ड वर्कर, वर्कर इज अगेन योर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मॉडिफिकेशन कर रहा है तो एडजेक्टिव, यहाँ देख लीजिए ही रन फास्ट, कैसे रनिंग कर रहा है, फास्ट रनिंग कर रहा है, काम कर रहा है कैसे, फास्ट, तो वो आपका एडवर्ब, ही हैज ओनली, शी हैज ओनली टू बुक्स, कितने बुक्स हैं, सिर्फ दो हैं, नंबर ऑफ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ नंबर, तो दो बुक हैं बस, एडवर्ब हो गया, ही कम बैक, कम बैक वापस आओ, समथिंग आओ आपका वर्ब हो गया, वापस आपका एडवर्ब हो गया, कहाँ आना है, वापस आना है, ठीक है, दे वर्क हार्ड, कैसे काम किया, हार्ड, तो काम कर रहे हैं कैसे, हार्ड आपका क्या होगा, एडवर्ब, तो हाँ, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर आप कोई काम हो रहा है उसका मॉडिफिकेशन करेंगे, वट एवर वर्क इज बिंग डन इन द सेंटेंस इज मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, इफ देर इज अ नाउन, मे बी एनी टाइप ऑफ नाउन, proper noun, common noun, any type of noun is being modified, then it is called the adjective. Sentence में आपका अगर noun जो है या pronoun है उसको सिर्फ adjective modify करता है, बाकी part जो है आपका sentence का verb हो गया, adjective हो गया, दूसरा कोई adverb हो गया, clause हो गया, phrase हो गया, वो सारे का modification आपका adverb करेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए last में लिखा है कि कुछ words हैं जहाँ पर आपका modification करके